सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे बघेलखंड की प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार। तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कि ये लोकगीत हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और ये जनमानस को कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे बघेलखंड की पुरानी परंपरा रही है विभिन्न अवसरों पर अलग अलग प्रकार के लोकगीतों के। तो आइए हम जानते हैं ये लोकगीत हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। मैम, कौन कौन से लोकगीत होते हैं और ये कैसे हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं? अपने बघेलखंड में कई तरह के गीत होते हैं जिसको हम लोग तीन तरह से गाते हैं, जो संस्कार गीत हो गया, जाति पदा गीत हो गया और द्वित पदा गीत हो गया। और इन सभी गीतों का अपना एक अलग महत्व होता है। मैम, संस्कार गीत में कौन कौन से गीत आते हैं? संस्कार गीत में जैसे जब शिशु का जन्म होता है, सोहर हो गया, बधाई हो गई, नैछू हो गया, बंदरा हो गया, अंजुरी हो गई, ब्याह हो गया, बरुआ हो गया। मैम, ये तो हमने भी सुने, मतलब आपस में होता है जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होते हैं ऐसा। तो आप इनमें से कोई एक गा के सुनाएंगी हम लोगों को? हम आपको सोहर सुनाते हैं। धनी धनी नगर अयोध्या, धन राजा दशरथ, धन राजा दशरथ हो आबा, धन रे कौशल्या तोरी भाग, रमैया जहाँ जन्मे, रमैया जा जब जन्म होता है इस समय गाया जाता है। संस्कार गीतों में और बहुत सारे गीत हैं, अंजुरी है, ब्याह है, बरुआ है। बरुआ तो अब धीरे धीरे युवा पीढ़ी जो है इससे वंचित होती जा रही है, क्योंकि ये हाँ मैम, पहले क्या होता था कि उपनयन संस्कार बचपन में संस्कार के रूप में होता था, आज ये फॉर्मेलिटी के रूप में यूज किया जाता है कि हाँ बस करना है हमें ऐसा। विवाह में भी लोग कर रहे हैं बरुआ। हाँ, विवाह के साथ होता है, लेकिन संस्कार तो होते हैं, संस्कार विलुप्त नहीं हुए, संस्कार हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हमारी जो धरोहर है, हमारे जो संसाधन थे पहले, हम सीमित संसाधन में ही अपने लोकगीत कहो चाहे संस्कार कहो, और ये जो लोकगीत होता है इसमें खाली संस्कार जो है, तो संस्कार तो हमें मिलता ही है, ये हमारी लोक संस्कृति से हमारा परिचय भी कराते हैं। मैम, अभी भी जैसे ग्रामीण इलाकों का अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण इलाकों में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा जीवान दिखाई देते हैं, शहरी क्षेत्र में ये अब विलुप्त होते जा रहे हैं, कहा जाए कि इनका प्रचलन काफ़ी कम हो गया है, तो इसका कुछ बताएंगे आपकी, मतलब क्या रीज़न हो गया? देखिए, समय के साथ परिवर्तन होता है, आधुनिकता की दौड़ में कहीं ना कहीं इसको लोग पीछे छोड़, लेकिन ये जीवन का अंग है, हम इससे हट के जैसे हमारे अगर शरीर से पार निकाल दिया जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह ये लोक संगीत जो है वो हमारी आत्मा में रचा बसा है, अगर हम इसको अलग कर देंगे तो हमारी जो पहचान वो विलुप्त हो जाएगी। नहीं, वो तो मैम जैसा कि आप अभी सुना रही थी, हाँ। तो मतलब ऐसा फील आता है कि बस हम वो चीज़ सुनते रहे तो उसका मतलब हृदय तक, मतलब कहा जाए तो अंदर तक छूके जाते हैं, अंदर तक छूके जाता है। और इसे जीवंत बनाने के लिए हम सबको ही प्रयास करना होगा कि चल, और ऐसा नहीं है अब शहरों में भी, खाली ग्रामीण इलाकों में नहीं, शहरों में भी अब इसकी पहल हुई है कि तिलक हो गया, शादी हो गया, तो अब लोग मांगलिक कार्यक्रमों में इसको करवाते हैं, अब इसका प्रचलन हो रहा है। तो जैसे कि मैम आप लोकगीत कलाकार हैं, तो आपको लोगों का रुझान दिखता है कि मतलब लोग सुनना चाहते हैं कि आज के समय में जो शहरी परिवेश के लोग हैं, ग्रामों में तो अभी भी इनका प्रचलन है, पर क्या शहरी परिवेश के लोग अभी भी इनको सुनना पसंद करते हैं? कुछ हद तक जो पहले के लोग थे वो इससे अभी भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ वो सुन रहे थे और कहीं ना कहीं बीच में इसका क्षरण हो रहा था, तो उनके मन में तो जिज्ञासा है कि होना चाहिए। बीच में हमने आपको बताया ना कि जो आधुनिकता के दौर में हम आगे निकल गए, तो तड़क भड़क ऐसा संगीत सामने आया कि इससे लोग छूट रहे थे। हाँ वही, लेकिन अभी भी पुराने जो हैं हमारे घरों पे देखा जाए तो उनको ये गीत, और सच में ये गीत अंदर तक जाते हैं, और ये सारी राग रागिनियाँ हैं, अब कोई भी ताला नहीं है, हर ताल में है निबद्ध है, हर राग और रागिनियाँ तो हर राग में निबद्ध रचना है, चूँकि हमारी दादी चाची बड़ी मम्मी लोग इसको गाती थी, तो उनको ताल और ये इसकी समझ नहीं थी, लेकिन वही चीज़ मैं गाती हूँ तो मुझे पता है कि ये किस ताल में बजता है, कौन सा राग है। नहीं मैम, हमें भी ताल का ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हमें ये है कि हमारे दर्शकों को ज़रूर परख होगी और वो आपके गीतों के माध्यम से अपनी होली को ज़्यादा रंगीन करेंगे। तो एक बार फिर अब हम आपको छोड़ रहे हैं मैम के गानों के साथ, तो सुनिए और अपनी होली को और ज़्यादा रंगनुमा बनाइए। धन्यवाद। Oh,
नमस्कार। होली के उत्सव में आइए हम बघेलखंड के बहुत ही प्रसिद्ध होली गीत सुनाएंगे। आज हम अपने साथ कलाकारों का परिचय मैं कराती हूँ। हमारे साथ हारमोनियम में संगत कर रहे हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्रा जी, तबले में श्री हरिशरण श्रीवास्तव जी और खंजनी में श्री धीरज मिश्रा जी। आइए हम बघेलखंड के माटी के गीतों की ओर ले चलते हैं। मैं श्रीमती सुषमा शुक्ला, लोक गायिका, आप सबके सामने अपनी माटी के गीतों को मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। Bye.
ओके ओके I'm not afraid of the dark.
संगीत में कठिन साधना के पंडित छन्नू प्रसाद जी के आप शिष्य हैं। हमारे बाएं साइड बैठे हैं सिंहेश्वर श्रीवास्तव जी। आप भी बनारस घराना से संगीत की शिक्षा ग्रहण किए हैं और उनके बगल में बैठे हैं श्री धीरज प्रसाद मिश्रा जी। आज हम सब होली का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आइए कुछ और अपनी धरती के गीतों की ओर आपको ले चलते हैं। माटी के जो अपने गीत हैं बहुत ही लोकप्रिय हैं, बहुत ही उल्लास भरा वातावरण होता है होली का, हम सब मिलके मनाते हैं। होली का हम सभी को बहुत पहले से इंतजार होता है और पत्नी है कहती हैं कि हम देवर के साथ तो खेलेंगी, पर पति से भी आग्रह करती हैं कि होली आ रही है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। आइए इस गाने में इसी का जिक्र है। नदी के बिरना होरी नदी के बिरन होरी आई रसिया We'll be right back.
देश में है, पत्नी पति की प्रतीक्षा करती है, दिन गिनती है, एक महीना बीता, दो महीना बीता, चार महीना बीता, और वो खत लिखती है। आइए इस होली गीत के माध्यम से वही भाव मैं व्यक्त कर रही हूँ। Thank you.
हमारे बघेलखंड में, हमारी जो बघेलखंड का साहित्य बहुत ही विशाल है, और ये ना माने हम कि ये मात्र मनोरंजन का साधन है, लोक संगीत जीने की कला भी सिखाता है, लोक साहित्य से हमारा परिचय भी कराता है, और लोक साहित्य वो है जो लोगों के जीवन में रचा बसा हो। हमारे बघेलखंड में जो गीत गाए जाते हैं वो तीन तरह से गाए जाते हैं, जो संस्कार परक हो गया, जाति परक और ऋतु परक, और इन सभी गीतों का अपना अपना महत्व होता है। आइए मैं संस्कार गीतों की शुरुआत करती हूँ। जब शिष का जन्म होता तो हमारे यहाँ सोहर गाई जाती है, आइए मैं सोहर सुनाती हूँ। Oh,
बहुत ही मार्मिक गीत है, अंजुरी हम लोग के यहाँ गाई जाती है, वो मैं सुनाती हूँ। आइए मैं एक बेलनाई आपको सुनाती हूँ। ए जी बा